नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बचपन और आप सभी का एबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे सामने कंटेस्टेंट मौजूद हैं, रिश्ते में तो हम इनके बाप होते हैं। प्लीज वेलकम अभिषेक बचपन। बेटा अभी अभी ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये स्टूडियो है। लेट्स प्ले एबीसी। थैंक यू। सो अभी लेट्स प्ले एबीसी। आपके लिए पहला सवाल ये रहा, इन चारों फिल्मों में से आपने सबसे अच्छी एक्टिंग किस फिल्म में नहीं की? ए रिफ्यूजी, बी ढाई अक्षर प्रेम का, सी ओम जय जगदीश, या टी जमीन? ए नन ऑफ द अबव। मतलब क्योंकि आप तो जानते हो उस वक्त मैं एक्टिंग सीख रहा था, दैट एक्टिंग। तो अभी ये मानना पड़ेगा कि आपको एक्टिंग सिखाते सिखाते काफी प्रोड्यूसर कंगाल हो गए हैं। अगला सवाल अभी आपके लिए, आपने किस प्रोड्यूसर के रुपए सबसे ज्यादा डुबाए हैं? ऑप्शंस हैं ए मणिरत्नम, बी मणिरत्नम, सी मणिरत्नम, डी मणिरत्नम। जवाब है सही मणिरत्नम, क्योंकि उन्होंने मुझे सही ग्रेड का एक्टर बना के रख दिया है। अभी अफसोस, गलत जवाब। भाई इसका सही जवाब है डी मणिरत्नम, क्योंकि रावण फिल्म तो सी ग्रेड से भी ज्यादा बुरी थी। हाँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब देवी और सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे सामने कंटेस्टेंट मौजूद हैं, इनको इनके काम से ज्यादा सलमान खान का काम लगाने के लिए ज्यादा जाना जाता है। प्लीज वेलकम अवेक ओब्राय। अरे नमस्कार। नमस्कार। ओके प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सो मच सर, रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न, रियली अप्रिशिएट। ओके अवेक, लेट्स प्ले एबीसी। आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, किसी भी एक्टर को सुपरहिट बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शंस आर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बी कंट्रोवर्सीज, सी किसेस, या डी सुपरहिट फिल्म। सर मुझे लगता है सी किसेस। हाउ? मैंने बाकी सारी चीजें ट्राई की है सर, कुछ होता नहीं है सर। इमरान खाशमी के पास आज भी मुझसे ज्यादा फिल्में हैं सर, दैट्स द हार्ड फैक्ट। सही जवाब। अब एक लेकिन मेरा ये मानना है कि सीरियल किसर से कॉम्पीट करने के बजाय आपको खुद टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। सर मैं और सीरियल। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है और ये रहा, शादी के लिए आदमी को कब तक इंतजार करना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए जब तक सारी लड़कियां रिजेक्ट नहीं कर देती, बी जब तक माँ बाप कोई अच्छी सी लड़की नहीं ढूंढ देते, सी जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी नहीं कर लेती, या डी ऑल द अबव। सर मुझे लगता है सी, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड सॉरी मतलब जब तक मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी नहीं कर लेती। ओ अवेक ओब्राय, गलत जवाब। आपका सही जवाब है डी ऑल द अबव। माफ कीजिए, आज तक आपके साथ यही तो हुआ है। मिलोर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं खेल आयोजक नरेश कलमड़ी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए आप पर इल्जाम है कि कॉमनवेल्थ गेम में पैसों का हेरफेर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी को तो कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, कॉमन लोगों के पैसों का खेल। खेल भावना ठेवनी पाइजे। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी बहुत सारे स्टेडियम्स बने नहीं है, जबकि कुछ ही दिनों में खेल शुरू होने वाले हैं, तो खिलाड़ी कहां खेलेंगे? पार्लियामेंट में है? पार्लियामेंट का खेल हम लोग रोज देखते हैं। कोई निशाना लगा के माइक फेंक के मारता है, कोई निशाना लगा के जूता फेंक के मारता है, कोई किसी की धोती खींचता है, कोई किसी को गमला फेंक के मारता है, वो भागता है, वो पकड़ता है, वो दौड़ता है। जब इतने खेल वहां हो सकते हैं तो कबड्डी, खो खो, भाला फेंक, तीरंदाजी ये सब वहां क्यों नहीं हो सकता? खेल भावना ठेवली पाइजे। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आप मीडिया से डरकर शीला दीक्षित जी के पीछे जाकर छुप गए थे, क्यों? मीडिया से डरकर नहीं गया था मैं शीला दीक्षित को यह सजेस्ट करने के लिए गया था कि इस बार के खेल में हाइड एंड सीक, आई स्पाई जैसे खेलों को भी शामिल करना चाहिए। खेल भावना ठेवली पाइजे।
देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एक टिश्यू पेपर बॉक्स पूरे 4,000 रुपए में खरीदा है। जहां देश की इज्जत की बात हो मैं पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मार्केट में तो उसका रेट 150 रुपए है। माइते मला, वो बाहर से आया है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, फिर जो उसे लेकर आया है उसका पैसा वगैरह कौन ऐड करेगा? खेल भावना ठेवनी पाहिजे। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आप खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दे रहे, जिससे उनकी फॉर्म सेट नहीं हो पा रही है, तो वो गोल्ड मेडल कैसे लाएंगे? गोल्ड मेडल फॉर्म सेटिंग से नहीं आने वाला, बल्कि बाकी प्लेयरों के साथ सेटिंग करके आएगा, इसीलिए मैं पैसे जमा कर रहा हूं। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि पिछले 14 सालों से आप IOC की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं, क्यों? व्हाई नॉट? बचपन से मेरा भी सपना था कि खेलों में मेरा भी कोई रिकॉर्ड हो, तो कुर्सी के खेल का मेरा यह नया रिकॉर्ड है। खेल भावना ठेवनी पाहिजे। का चौबे जी, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। साहब ये मंगू तो आपसे भी 10 कदम ज्यादा तेज निकला, आज तो हमने इसको ये बड़ी बड़ी फाइल पढ़ते हुए पकड़ा है। मंगू, ये इतनी सारी फाइल कहाँ से लाया? मेरा दिमाग खराब हो गया साहब, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही साहब। कल रात साहब मैं ऐसे घर में कूदा चोरी करने के लिए, वहां मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है साहब और तेज तेज सांसें चल रही, और एक आदमी लेटे लेटे अपने नाखून घिस रहा था, खचर 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 खचर। फिर क्या हुआ? फिर साहब हमने उसका पूरा घर छान मारा, कुछ मिले ही नहीं, सिर्फ फाइलें फाइलें पड़ी थी। मैं कहा मैं आ गया हूँ चोरी करने, खाली हाथ ना जाऊंगा। मैंने फाइलें जमा की और वहां से सारी फाइलें लेके भाग गया। अबे तू 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 जिसके घर में चोरी करने गया था, वो आदमी का लेटा हुआ था, उसके लंबे लंबे बाल थे, और उसकी एक ऐसे 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 डिपर की तरह ऑन ऑफ हो रही थी। अबे तू किसके घर में घुस गया? अबे वो तो योगी बाबा श्यामदेव है, तू उनके घर में चोरी करने के लिए चला गया। और ये जो तू फाइल चुरा के लाया है ना, ये बहुत खतरनाक फाइल है। अबे ये तो सारी काले धन की फाइल है। हवलदार, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज क्यों? अबे ऊपर से ऑर्डर है कि जो भी ब्लैक मनी का नाम ले या जिसके भी हाथ में ब्लैक मनी की फाइल हो उस पे लाठी चार्ज। हवलदार चार्ज। नहीं साहब, मैं लाठी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं चार्जर लाना भूल गया हूँ। सब लोग कभी ना कभी चार्जर तो भूल ही जाते हैं। हेलो डार्लिंग, ए हमको एक बात बताओ, ये रतन हमारे लिए कैसी रहेगी? साहब साहब, ये देखिए मंगू आज कमर सिंह के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। जे कर रहे मंगू, नेताजी के घर पे का शेरो शायरी की डायरी चुराने गया था है? तो साहब ने तो पहले ही तुमको बोला है ना कि सबके घर चोरी करो, लेकिन नेता के घर कभी नहीं, नेता हमारी बिरादरी का होता है। जूता छटा, तू बता मंगू काहे गया था नेताजी के घर पे? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कमर सिंह के घर गया था टेप चुराने। मंगू, टेप को चुराने की चीज है? अरे चुराना ही था तो कुछ ऐसा चुरा लेता जो हमारे साहब के काम आ जाता। ये जूतो छटप बकलोल। ये मंगू तू जल्दी बोल, ये टेप का क्या है झोल? कमर सिंह जब देखो तब एक टेप मीडिया में दे देते, उससे बखेड़ा खड़ा हो जाता है देश में, देश का टाइम खराब होता है, तो मैंने सोचा वो टेप ही चुरा लो। तो टेप चुराया का? कहां साहब, उनके घर पे इतने टेप है, उतना पैसा तो हम इंडियन लोगों का स्विस बैंक में भी नहीं होगा। जब किसी ने जरा सी भी नजर दिखाई कमर सिंह को, आ गया टेप मीडिया में।